जिला ऊना में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर में हिमाचल बीजेपी के वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने और महिला मोर्चा के सदस्यों ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान ऊना शहर में शुरू किया और सफाई की। बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी वर्करों के द्वारा ऊना शहर के वार्ड नंबर 7 और 8 में गलियों और झाड़ियों की सफाई की गई। इस मौके पर सतपाल सत्ती ने कहा कि गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि अपने घर और अपने शहर को हमेशा साफ रखो। इसी प्रेरणा को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज महिला मोर्चा और बीजेपी वर्करों द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक सतपाल रायजादा तथा अन्य सेवादल से जुड़े लोगों ने कांग्रेस दफ्तर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे फोटो पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और विधायक ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश के हथारस में मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर हम सभी ने गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया है, और ये हम सब कांग्रेसियों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे कांग्रेस के नेता रहे हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम सब कांग्रेसियों को एकजुटता के साथ इस देश की सेवा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज खास करके लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आ रही है कि उन्होंने ये किसानों का ना जो नारा दिया था, आज भाजपा सरकार में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज आम जनता के साथ जो भाजपा सरकार अन्याय कर रही है, हम सब ये प्रण करते हैं। आज हमारे साथ सेवादल की टीम भी है और सेवादल की टीम के साथ मिलकर ये प्रण करते हैं कि ये भाजपा सरकार ने जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई हुई है किसानों के खिलाफ, और आज बच्चियों का जिस तरीके से रेप हो रहा है और जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, हाहाकार मची हुई है, हम सब कांग्रेसी मिलकर एकजुटता के साथ ये आवाज उठाएंगे और इस दमनकारी जो नीतियां हैं भाजपा सरकार की, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।